पूरा हरियाणा जल रहा था। पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था इन लोगों ने। और आज ये सपना देखते हैं कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कल 25 मई 2024 है। ये भारत के लिए और हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। कल चुनाव का दिन है। सुबह सुबह उठ करके स्नान करने के बाद, श्री राम स्तुति का पाठ करने के बाद अपना वोट डालें और कमल खिलाना है, मोदी को लाना है। कमल खिलाना है, मोदी को लाना है। मोदी जी आएंगे, फिर योगी भी आएंगे। मोदी जी आएंगे, फिर योगी भी आएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अभी मंदिर बनाया है, हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। अभी मंदिर बनाया है, हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बात करेंगे अपने खुद के करनाल लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की ओर से सांसद के लिए प्रत्याशी खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि पंजाबी जाति से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ जाति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जाति वाला कार्ड चला है, क्योंकि करनाल लोकसभा क्षेत्र, जिसके अंदर करनाल और पानीपत जिला पूरा आता है और 9 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर पंजाबी वोटर्स की आबादी सबसे ज्यादा है, तो इस बात को देखते हुए कि मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी बिरादरी से जाति से बिलोंग करते हैं, तो कहीं वो इस चीज का फायदा ना उठा ले, क्योंकि इंडिया के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, न केवल हरियाणा में बल्कि हर जगह, किसी भी प्रदेश में की बात की जाए। तो यहाँ कांग्रेस की ओर से जाति वाला कार्ड चला गया है और पंजाबी की टक्कर में पंजाबी युवा चेहरे को उतारा गया है। नाम है कांग्रेस प्रत्याशी का बुद्धि राजा, ठीक है। तो क्या है कि दोनों चेहरे पंजाबी हैं, लेकिन आप सोच समझ कर वोट दीजिए। और क्योंकि यह जातिगत कार्ड चला है, तो आप भय किए नहीं कि ये अपनी बरादरी का है या नहीं है। पहली बात तो आप राष्ट्र को देखते हुए वोट डालिए, जातियों के चक्कर में पड़िए नहीं। और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर भी देखो कि असली कौन है, नकली कौन है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि ब्लैक गलत है और व्हाइट सही है। आज कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, चीजें दरअसल मिक्स्ड हो चुकी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स्ड हो चुका है, अच्छाई बुराई एक हो चुकी है। तो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह करके वो ग्रे हो चुकी हैं, तो अब दोनों ही ग्रे हैं। तो दोनों में असली कौन है, नकली कौन है, बहुत ही संशय और भ्रम की स्थिति है। तो ऐसे में क्या किया जाए, देखा जाए कि इन दो चेहरों के पीछे कौन है, इन दो प्रत्याशियों के पीछे कौन है, वो कौन लोग हैं जो इनको सहयोग कर रहे हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं। देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं, चेहरा कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। और बुद्धि राजा के पीछे कौन है, हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी। ये वो लोग हैं
जिन्होंने जिनका बहुत बड़ा हाथ था जब 2016-17 के अंदर दुकानें जलाई गई थी, पूरा हरियाणा जल रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था इन लोगों ने। और आज ये सपना देखते हैं कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और अब ये क्या कर रहे हैं, पंजाबी चेहरों को फेस बना रहे हैं। पंजाबी युवाओं को आगे करके उनको चेहरा बना रहे हैं और पीछे ये खुद हैं और कठपुतलियां बना रहे हैं। तो संभल जाइए और संभल कर सावधानी के साथ अपना कीमती वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।